ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे लॉ ऑफ डॉट के बारे में। एंड लॉ ऑफ डॉट में जो टॉपिक हमारा रह गया है डिफॉर्मेशन, उसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो डिफॉर्मेशन क्या होता है? सबसे पहले आप लोगों में से कोई बताएगा क्या होता है? किसी को कोई आइडिया, व्हाट इज डिफॉर्मेशन? सर, किसी के बारे में डिफामेटरी वर्ड्स कहना पब्लिकली, जिससे उसकी प्रेस्टीज को हार्म हो, रेपुटेशन को, गुडविल को हार्म हो। रेपुटेशन का नाम, कोई भी चीज आप ऐसे पब्लिश कर रहे हैं, कोई भी चीज आप ऐसे उसके बारे में बोल रहे हैं इसके उस जिससे उसके रेपुटेशन का हार्म है ना। तो ये जो टॉट है हमारा, ये हमने अगेन कहाँ से लिया? इंग्लैंड से लिया है। मतलब टॉट के ज्यादा जो कंसेप्ट है इंग्लैंड से लिया, तो इंग्लैंड में भी डिफॉर्मेशन का कंसेप्ट है। और इंग्लैंड में दो चीजें हैं, एक होता है लिबल, लाइबल नहीं है इसमें, लिबल LIBEL, सॉरी LIBEL, और दूसरा है सिलेंडर। सिलेंडर वो जो गैस वाला नहीं है जो फटता है ना, या घर में जिससे खाना बनता है वो वाला नहीं, ये सिलेंडर दूसरा है। लिबल का मतलब होता है कि आपने किसी को डिफेम किया है बाई प्रिंटेड फॉर्म। ठीक है, प्रिंटेड फॉर्म मतलब कि आपने उसके बारे में कोई चीज या तो बोली या तो छाप, है ना, पब्लिकेशन, जैसे कि परमानेंट फॉर्म है ना। और सिलेंडर का मतलब होता है कि आपने किसी के बारे में कोई चीज जो है वो डिफामेटरी स्टेटमेंट दिया है इन ट्रांजिट फॉर्म। तो मतलब अगर आप किसी को चीजें लेबल कहता है कि आपने कोई चीज छाप के करी कहीं पर, रिटन फॉर्म में करी, है ना, जो कि एक परमानेंट चीज है। किताब में कोई चीज छप गई, न्यूज पेपर में कोई चीज छप गई, तो एक परमानेंट हो गई, कभी नहीं हो सकती है वो, हमेशा जब तक वो किताब रहेगी, जब तक वो न्यूज पेपर रहेगा तब तक वो चीज उसमें लिखी हुई। और सिलेंडर कहता है किसी के बारे में आपने कुछ बोल के किया है ना, टेम्प्रोरी फॉर्म, तो वो चीज आपकी इसमें आएगी। तो कहने का मतलब है कि दोनों चीजें इंग्लैंड में अलग अलग है, दोनों का कंसेप्ट जो है वो अलग अलग है। तो दोनों में जो लाइबिलिटी ऑफ प्रूफ है वो चीज भी अलग अलग है, बट इंडिया में ऐसा कोई डिफरेंशिएशन नहीं कि भाई लेबल के लिए अलग है और सिलेंडर के लिए अलग है। ठीक है, और एक चीज और है कि हम जो इंग्लैंड है वहां पे लाइबल जो है वो एक क्रिमिनल रॉन्ग भी है ना, क्रिमिनल रॉन्ग भी है। और सिलेंडर जो है वो सिविल लॉन्ग, सिविल। ये हम एक कहाँ की बात कर रहे हैं? इंग्लैंड की। ठीक है, ये इंग्लिश लॉ की हम बात कर रहे हैं, ब्रिटिश वगैरह। बट इंडिया में जो है, जो लाइबल और सिलेंडर है, दोनों ही क्रिमिनल भी है, दोनों ही सिविल भी है। अगर आप किसी के बारे में बोल के डिफेम करते हैं उसको, तो भी आप लायबल होंगे सिविल में और क्रिमिनल में। अगर आप किसी के बारे में लिख के कुछ कर रहे हैं तो भी आप लायबल होंगे सिविल और क्रिमिनल में। देर इज अ नो डिफरेंस लाइक इंग्लिश लॉ दैट इन सम केस यू विल बी लायबल इन बोथ, है ना, सिविल एंड क्रिमिनल, इन सम केस यू विल लायबल इन वन, है ना, सिविल में सिर्फ लायबल, ऐसा कुछ नहीं। तो बेसिकली कहने का मतलब क्या, डिफेमेशन क्या होता है? डिफेमेशन एक ऐसा स्टेटमेंट है ना, एक ऐसा स्टेटमेंट है आपका, या ऐसा कोई रिटन फॉर्म में आपने कुछ लिख के दिए सामने वाले के बारे में, जिसमें जिससे उसकी जो पोजीशन है सोसाइटी में, है ना, वो कम हो जाए। पोजीशन या कम हो जाए कहने का मतलब है कि उसकी जो रेपुटेशन है सोसाइटी में वो कम हो जाए। सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड जो इसमें यूज किया जाता है दैट इज रेपुटेशन, कि आपकी जो सोसाइटी में जो रेपुटेशन है वो कम हो जाए। अब वो रेपुटेशन क्या मायने होगा, इस रेपुटेशन का क्या मतलब होगा, है ना। तो रेपुटेशन डिपेंड करेगी कि व्हाट द अदर पीपल थिंक अबाउट यू, है ना, आपके बारे में दूसरे लोग जो हैं या सोसाइटी के जो लोग हैं वो क्या सोचते हैं। मान लीजिए सोसाइटी के लोग आपको पहले से ही चोर मानते हैं, ठीक है, और आप सोसाइटी में जाकर कह रहे हो कि ये इंसान चोर है, तो डिफामेशन हुआ नहीं,
क्यों? क्योंकि पहले से सोसाइटी के लोगों को पता है कि आप चोर हो, ठीक है, लेकिन कोई इंसान किंग है, राजा है, ठीक है, अब उसके बारे में लोग जाके कह रहे हैं कि भाई ये चोर है, तो उस सिचुएशन में डिफेमेशन होता है, ठीक है। हाँ, द पॉइंट इज कि कैसे हम मानेंगे कि ये जो एक्ट है हमारा, उससे सोसाइटी में हमारा जो रेपुटेशन है वो कम हुआ है। तो उसके लिए हम चेक करेंगे कुछ चीजें, जैसे कि हम देखेंगे कि जो लोग हैं क्या वो हमसे दूरी बनाने लगे, क्या वो जो लोग हैं हमको हेट करने लगे, ठीक है, क्या वो जो लोग हैं हमारे बारे में उल्टी सीधी बातें अब करने लगे, ठीक है। अगर ये सारी चीजें हो रही है तो इसका मतलब है कि हमारी रेपुटेशन लोगों के सामने कपूर, ठीक है। तो यही दो तो तीन डेफिनेशन है, जैसे इसको अगर लिखना हो तो आप लोग लिख सकते हैं कि विनफील्ड, WINFIELD, विनफील्ड ने डिफाइन किया है डिफॉर्मेशन को कि डिफॉर्मेशन एज अ पब्लिकेशन ऑफ अ स्टेटमेंट, डिफॉर्मेशन एज अ पब्लिकेशन ऑफ अ स्टेटमेंट विच टेंड्स टू लो ए पर्सन इन द एस्टिमेशन ऑफ राइट थिंकिंग मेंबर ऑफ सोसाइटी जनरली और विच मेक देम सन और अवॉइड दैट पर्सन। मतलब क्या है कि डिफॉर्मेशन जो है एक स्टेटमेंट है जिससे एक इंसान की जो सोसाइटी में रेपुटेशन है वो कम होती है और जिसके वजह से लोग उससे दूरियां बनाने लगते हैं बेसिकली, ठीक है। और एक केस है डिक्सन वर्सेस होल्डर की, भाई होल्डन, HOLDEN, डिक्सन, DIXON, लिख दे रहा हूं मैं स्क्रीन पर, DIXON वर्सेस होल्डन, ये जो केस है बेसिकली, इसमें ये कहा गया कि हमें क्यों जरूरी है एक तरह से डिफॉर्मेशन को इतना इम्पोर्टेंस देना, ठीक है, ये कह लें कि हम अपनी हम या हम हमारी रिपोर्टेशन क्यों इतनी इम्पोर्टेंस है जिसको जिसके लिए हम इसको एक ऑफेंस और एक सिविल रॉन्ग दोनों बना रहे हैं। तो कोर्ट ने कहा कि जैसे आपकी एक नॉर्मल प्रॉपर्टी होती है, आपका घर होता है, आपकी गाड़ी होती है, आपका मोबाइल होता है, एक प्रॉपर्टी, उसी तरीके से जो रेपुटेशन है आपके, जो आपकी रेपुटेशन है वो भी आपकी प्रॉपर्टी है, एंड समटाइम इट इज मोर देन योर प्रॉपर्टी, ठीक है। मैंस रेपुटेशन इज कंसिडर्ड टू बी ए प्रॉपर्टी एंड इन सम केस मोर इम्पोर्टेंट देन प्रॉपर्टी, डिक्सन वर्सेस होल्डन वाले केस में कहा गया था, और इसलिए ये आपकी प्रॉपर्टी से ज्यादा वैल्यू है, इसलिए इसका प्रोटेक्शन जरूरी है, ऐसा नहीं कोई भी आपके रेपुटेशन हार्म करके चला जाए, ठीक है। और एक बात और है कि इंडिया में अगर किसी ने आपका डिफॉर्मेशन किया है तो देर इज नो बार अपॉन यू टू फाइल ओनली वन, गो फॉर ओनली वन रेमेडी, मतलब कि ऐसा नहीं है कि आप अगर उसके खिलाफ सिविल केस कर देंगे कंपनसेशन के लिए तो आप उसके खिलाफ क्रिमिनल केस नहीं कर सकते, ठीक है। और अगर आपने क्रिमिनल केस कर दिया तो आप सिविल केस नहीं कर सकते, ठीक है। क्या मतलब है कि आप दोनों केस साइमल्टेनियसली कर सकते हैं, देयर इज नो बार कि आपने सिविल कर दिया तो आप क्रिमिनल नहीं कर सकते हैं, क्रिमिनल कर दिया तो सिविल नहीं कर सकते, आप दोनों केस कर सकते हैं फिलहाल एक साथ में भी और आगे पीछे भी, तो भाई आपने हमारा डिफेम किया है आपको हम सजा भी दिलवाएंगे और हम आपको से कंपनसेशन भी देंगे मेरे रेपुटेशन को हार्म करने के लिए, ठीक है। ये कुछ बेसिक चीजें हैं, इसको याद रखिएगा, डिफोमेशन की डिफिनेशन मैंने लिखवा दिया आपको, एक विनफील्ड वाली वो याद रखिएगा, क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि रेपुटेशन हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है और रेपुटेशन का प्रोटेक्शन होना बहुत जरूरी है, डिक्शन वर्सेस होल्डन वाले केस में ये कहा गया था, डिफोमेशन बोथ और सिविल रॉन्ग है इंडिया में, तो यहाँ पर
हम दोनों में केस कर सकते हैं एक ही पॉइंट के लिए, है ना। ऐसा नहीं कि कहेंगे कि भाई हमने सिविल कर दिया तो हम क्रिमिनल नहीं कर सकते, दोनों केस हम इंस्टीट्यूट कर सकते। लिबल एंड सिलेंडर का कंसेप्ट जो है इंग्लैंड में है, वहां पे एक जो है लिबल जो है वो क्राइम है और सिलेंडर जो है वो सिर्फ और सिर्फ सिविल रॉन्ग है। लेकिन इंडिया में क्या है कि ये पोजीशन नहीं है, इंडिया में जो है दोनों जो है वो एक सिविल रॉन्ग भी है। दोनों को मतलब दोनों तो है ही नहीं पहली बात। इंडिया में, इंडिया में चाहे आप छाप के करो, चाहे आप बोल के करो, कैसे भी किसी की रिपोर्टेशन को फॉर्म करो, आप डिफॉर्मेशन में लाइबल होंगे। कोई लेबल और सिलेंडर वाला कैटेगराइजेशन नहीं है, तो यहाँ पे आप लाइबल होंगे। एंड देन आपको उसमें क्रिमिनल लाइबल भी किया जा सकता है, आपको उसमें सिविल लाइबल भी किया जा सकता है। डिपेंड करेगा कि वो जो पर्सन है जिसका आपने डिफेम किया है वो किस में जाना चाहता है। ठीक है। नाउ द क्वेश्चन अराइज कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंट एसेंशियल एलिमेंट्स फॉर कॉन्स्टिट्यूटिंग एन ऑफेंस ऑफ या ए सिविल रॉन्ग ऑफ डिफेमेशन। तो डिफेमेशन करने के लिए तीन चीजों की जरूरत होती है ना, कि अगर मैं किसी का डिफेमेशन करना चाह रहा हूं तो वो तीन चीजें होनी जरूरी है। पहला, देखिए याद रखिएगा, डिफेमेशन के लिए तीन चीजें जरूरी है। पहला है कि जो वर्ड हमने बोला है, ठीक है, दैट वर्ड मस्ट बी फॉल्स एंड डिफेमेट। क्या मतलब हुआ इसका, जल्दी बताइए कोई। इसका मतलब है कि आप जो कह रहे हो वो रेपुटेशन प्लेंटिफ की इंजर कर रहा हो। हाँ, कि भाई जो भी बात कह रहे हैं आप वो गलत है, झूठी है ना, उसका जो रियलिटी है उससे कोई लेना देना नहीं है, है ना। झूठी बातें हैं और डिफामेटरी है। उस डिफामेटरी कहने का मतलब ये होता है कि काइंड ऑफ आप एलिगेशन लगा रहे हैं सामने वाले के ऊपर कि उसने ये ऐसी ऐसी चीजें करी, है ना। एलिगेशन है उसके ऊपर कि भाई उसने ऐसी ऐसी चीजें करी है। नॉट द पॉइंट इज कि अगर स्टेटमेंट सही हो गया तो भाई किसी ने चोरी करी, मैंने कहा कि उसने चोरी करी, देखिए उसको जाकर कोर्ट ने सजा दी है 2 साल की, तो क्या डिफेमेटरी होगा। आंसर इज नो। ठीक है, किसी ने सच में किसी को ठग दिया, ठग दिया का मतलब है कि भाई उसने गलत जमीन जो है उसको बेच दी। अब वो इंसान आदमी जाके बाहर कह रहा है कि भाई इसने मुझे 2 लाख रुपए लिए और जमीन जो मुझे दी है वो 50,000 रुपए की भी नहीं है, तो क्या डिफॉर्मेशन हुआ। नहीं, जो बातें सही है सच है वो डिफॉर्मेशन में नहीं आएगी। जो बातें फॉल्स है, डिफॉर्मेटरी है, वो बातें अगर आपने बोली है तो आपको डिफॉर्मेशन में लायबल किया गया, पहला बात। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि द वर्ड मस्ट रेफर टू प्लेंटिफ। अब हम कह रहे हैं यहाँ पे, मान लीजिए यहाँ पे बहुत सारे आपके स्टूडेंट हैं, मैंने हर्ष के बारे में कुछ कहा, ठीक है, और जाके फिरोज आके मेरे ऊपर केस कर रहा है, सर आपने हर्ष के बारे में कैसे कुछ कह दिया। नहीं हो सकता। डिफॉर्मेशन में आप ही केस करेंगे अगर मैंने आपके बारे में कुछ बोला है तो। मैं किसी और के बारे में कह रहा हूँ, आप कह रहे हो नहीं नहीं मेरे बारे में ही, और आपने केस कर, नहीं हो सकता। ठीक है। एंड द लास्ट इज वर्ड मस्ट बी पब्लिश। पब्लिश का मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि न्यूज़पेपर में पब्लिश है, किताब में पब्लिश। पब्लिश का मतलब यहाँ पे ये है कि लोगों के माइंड में इसका आना, लोगों के नजर में बातें आना, लोगों को ये बातें आप सुना के कह रहे हो, लिख के लिखा के कह रहे हो, कैसे भी कह रहे हो, है ना। तो वर्ड जो होगा वो पब्लिश होगा। ठीक है, पब्लिश कहने का मतलब ये है कि आपने किसी को फोन किया, फोन करके उल्टी सीधी बातें उसको बोली, ठीक है, तो क्या ये डिफॉर्मेशन है। आंसर इज नो। किसी को आपने लेटर लिखा और वो लेटर सिर्फ वही इंसान पढ़ सकता है, कोई और नहीं पढ़ सकता, ठीक है, तो क्या वो डिफॉर्मेशन हुआ अगर उसने उस लेटर को पढ़ लिया तो। नहीं। क्यों? क्योंकि भाई वो बात जो है जो आपने उससे कही वो किसी थर्ड पर्सन को पता ही नहीं चली, तो डिफॉर्मेशन हुआ ही नहीं।
डिफॉर्मेशन के लिए क्या जरूरी है, किसी थर्ड पर्सन को, फोर्थ पर्सन को, पब्लिक को वो बातें पता चलनी जरूरी है जो बातें आपने कही है एज अ डिफॉर्मेटरी और फॉल्स। समझा रही है? एक रूम बंद है, मैंने किसी को बुलाया, रूम के अंदर उसको खूब उल्टी सीधी बातें कही कि ऐसा तुमने किया, वैसा तुमने किया, ये किया तुमने, ये किया, तुम ऐसे इंसान हो, वैसे इंसान हो। डिफॉर्मेशन हुआ नहीं, वो आदमी खुद रूम से बाहर निकलता और जाके बाहर में सबको बता दे कि कासिफ सर ने मुझे ऐसे ऐसे कहा, तब भी डिफॉर्मेशन नहीं हो, क्योंकि मैंने उन बातों को नहीं कहा पब्लिक, मैंने उसको रूम में बुला के कहा। तो पॉइंट इज कि जो बातें हैं किसी दूसरे के बारे में वो बातें पब्लिश होनी चाहिए। पब्लिश होनी चाहिए मतलब कि दूसरों के ही नॉलेज में वो बात आनी चाहिए, और उसके बाद लोग जो है उसका रिपुटेशन जो है उसके वजह से लोग उसके बारे में जो है सोचना जो है वो दूसरे तरीके से सोचना स्टार्ट करते हैं, उससे दूरियां बनाने लगे, डिस्टेंस क्रिएट। ठीक है? हाँ जी, आवाज में अरी बना लिया। हेलो, मृणाली आप दोबारा से ज्वाइन करिए, आपकी आवाज नहीं आ रही। तो ये कह रहा है कि व्हाट इज डिफेमेटरी स्टेटमेंट, तो मैंने वही जैसे बताया कि जो भी ऐसा स्टेटमेंट आप देंगे जो क्या करेगा, इंजरी करेगा प्लेंटिफ की रिपुटेशन के। ठीक है? अब जिससे जो लोग हैं उसको अवॉइड करने लगे, उससे हेटरेट करने लगे, है ना, उससे अपनी दूरियां बनाने लगे हैं कि भाई हम इसके पड़ोसी अब नहीं रहेंगे, बाप रे बाप ऐसा आदमी है ये, है ना, उस सिचुएशन में। ठीक है, तो एक केस है, लिख लीजिए इसको, डीपी चौधरी वर्सेस मंजूलता, लिख देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट केस है डिफेमेशन का। किसी को इस केस के बारे में मालूम है? सर थोड़ा थोड़ा याद है, इसमें जो मंजूलता है वो 17 साल की मंजूर हो 17 साल की होती है, और एक एजुकेटेड फैमिली जोधपुर से बिलोंग करती है, बीए की स्टूडेंट होती है, और उसके पब्लिकेशन होती है न्यूज आइटम में, लोकल डेली में, दैनिक नवज्योति में, कि लास्ट नाइट 11 बजे मंजूलता भाग गई एक लड़के के नाम साथ, कमलेश नाम के लड़के के साथ अपने घर से, इस प्रटेक्स्ट में कि उसे नाइट क्लास अटेंड करनी है कॉलेज की, और बट न्यूज आइटम अनट्रू था और नेग्लिजेंटली पब्लिश किया गया था इरेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, इस वजह से वो शॉक हो गई और पर्सन और लोगों के बारे में पता चला, तो उस वजह से उसकी जो मैरिज की जो प्रपोजल थे उस पर इफेक्ट पर एडवर्सली, तो ये डिफम यही हेल्ड किया गया कि डिफामेटरी वर्ड्स है और जनरल डैमेजेस प्रेज्यूम किया जाएगा, और उसको 10,000 का आई थिंक अवार्ड मिला था। सो बेसिकली क्या होता है, वही बात कि भाई शॉर्ट में अगर हम समझे तो भाई एक लड़की के बारे में आप ये स्टेटमेंट देते हो न्यूज में कि भाई वो लड़की जो है किसी लड़के के साथ रात में भाग गई, जबकि ऐसा हुआ नहीं था। अब वो जब न्यूज सुनी तो जिससे उसकी शादी होने वाली थी उन्होंने शादी तोड़ दी कि भाई ऐसी लड़की के साथ हम कैसे शादी कर सकते हैं। तो कोर्ट ने कहा कि जो आपका स्टेटमेंट था वो डिफॉर्मेट है ना, क्योंकि लोगों ने उसके बारे में गलत सोचना स्टार्ट कर दिया और उसके वजह से उसको नुकसान भी हुआ है, तो ये दैट इज डिफॉर्मेटेड, देन यू हैव टू पे द कंपनसेशन टू द गर्ल, है ना, डीपी चौधरी वर्सेस मंजूलता वाला केस। देन इसमें एक वर्ड यूज होता है इनवेंडो, है ना, इनवेंडो इनवेंडो ऐसे कुछ भी आप लोग इसको IWNUENDO, इनवेंडो या इनवेंडो ऐसे कुछ भी आप पढ़ सकते। इसका क्या मतलब होता है? ये कहता है कि भाई प्राइमा फेसी अगर हम स्टेटमेंट को देखेंगे तो हमको ये
इनकरेक्ट नहीं लगेगा, मतलब लगेगा अरे सही तो कह रहा है, इसमें डिफेमेटरी जैसा कुछ है नहीं। लेकिन इसका जो सेकेंडरी मीनिंग, जो कहते हैं ना डबल मीनिंग वाली बातें मत करो, तो इसका अगर हम दूसरा मीनिंग निकालेंगे तो हमें पता चला कि नहीं वो स्टेटमेंट जो है डिफेमेटरी। जैसे मैंने पूछा कि फिरोज से, फिरोज बिलाल पढ़ता है, तो बिलाल ने कहा, फिरोज ने कहा हाँ सर पढ़ता है, कितना पढ़ता है मुझे भी पता। समझ रही बात? तो आपने यहाँ पे कोई डिफेमेटरी स्टेटमेंट नहीं बोला है ना, बट अपना टोन में, अपनी बातों में इस तरीके से बोला कि मुझे ऐसा समझ में आ गया कि बिलाल जो है वो नहीं पढ़ता है। बात समझ आ रही? तो कोई भी ऐसी चीज कि जैसे मैंने पूछा कि भाई ये जो इंसान है एक्स वाई जेड जो भी, वो क्या उस पर भरोसा किया जा सकता है? तो आप ऐसे बोले बहुत भरोसा किया जा सकता है, इतना भरोसेमंद आदमी है वो कि कुछ ऐसा आदमी कहीं है ही नहीं दुनिया, बहुत भरोसा किया जा सकता है। और बहुत भरोसा करके लोग जो है ना उसमें परेशान भी हुए ना, इतना भरोसा मतलब एक लायक आदमी है वो कि लोगों को उसने परेशान भी किया, ऐसा कुछ भी एक बात हो। तो द पॉइंट इज कि आपका जो स्टेटमेंट है एज ए वन इंटरप्रिटेशन जो है उसका डिफामेटरी नहीं है, बट जो दूसरा इंटरप्रिटेशन है उसका, उसके हिसाब से वो एक तरह से डिफामेटरी है, तो वो इनवेंडो में आएगा एंड देन वहां पे आपकी लाइबिलिटी होगी। ठीक है, जैसे इसमें एक केस ही है बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉली वर्सेस जे एस फ्राई एंड सन्स लिमिटेड। हर्ष बताइए क्या है इस केस का ये फैक्ट, कुछ याद हो तो। सर ये वाला केस याद नहीं आ रहा अभी। सो बेसिकली एक यहाँ पे आदमी होता है वो गोल्फ चैंपियन होता है, ठीक है। अब उसके बारे में एक एडवर्टाइजमेंट छपता है न्यूज़पेपर में, इसमें वो दिखाता है कि उसके पॉकेट में क्या है, एक चॉकलेट है, ठीक है, और जो उसकी पॉकेट से निकल रही है मतलब, ठीक है। अब ऐसा कुछ रियलिटी में होता नहीं है, ठीक है, लेकिन वो कहता है प्लेंटिफ कि भाई आपने ऐसा इसको दिखाया है कि ऐसा लग रहा है कि उस चॉकलेट का मैं एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूं, ठीक है, फॉर गेन एंड रिवॉर्ड, और इसकी वजह से जो मेरा पोजीशन है वो एज ए गोल्फ पर जो है वो कॉम्प्रोमाइज हुआ है। लोगों को लगता है कि इतना बड़ा आदमी चॉकलेट खाता है, कुछ भी जो भी चीज है। तो कोर्ट ने कहा कि ये इनवेंडो है और यहाँ पे जो न्यूज़पेपर वाले हैं उनको लायबल किया जाए, ठीक है, उनको कंपनसेशन देना है। तो पॉइंट ये है कि आपने कोई भी चीज ऐसे शो करी या कोई भी चीज ऐसे बोली जिसका जो फर्स्ट इंटरप्रिटेशन है वो तो डिफामेटरी नहीं है, बट जो सेकेंड इंटरप्रिटेशन है दैट इज डिफामेट, ठीक है, तो आपकी लायबिलिटी होगी। वही कहते हैं ना डबल मीनिंग वाली बात, जो कहते हैं हम लोग बात दोस्तों में ही बैठे बैठे कहते हैं। तो पहला जो मीनिंग है उसका, जो उस वहां पे चल रहा है उसमें तो वो उसका मत कोई मतलब नहीं, लेकिन जो दूसरा इंटरप्रिटेशन है उसका, उसमें वो डिफामेटरी है, तो आप लायबल होंगे। नाउ द क्वेश्चन अराइज की वेदर एनी पर्सन्स इंटेंशन इज इम्पॉर्टेंट। मैंने किसी के बारे में कुछ उल्टा सीधा कहा और बोला, तो क्या मेरी इंटेंशन वहां पर इम्पोर्टेंट है कि मैं उसको डिफेम करना चाहता था या नहीं चाहता था? तो ये कह रहा है कि भाई जो डिफॉर्मेशन है उसमें इंटेंशन जो है वो जरूरी नहीं, ठीक है, डिफॉर्मेशन में इंटेंशन जो है वो जरूरी नहीं है। जब कोई स्टेटमेंट आप देंगे वो अपने आप में डिफामेटरी है, तो वहां पे क्वेश्चन ऑफ मोटिव एंड इंटेंशन इज इररिलेवेंट। ठीक है, और अगर कोई इंसान ये सोच के कह दे रहा है स्टेटमेंट कि भाई हम जो स्टेटमेंट दे रहे हैं वो एक इनोसेंट है, ठीक है,
वो भी एक तरह से वो जो है वो मेरा सही डिफेंस नहीं है भाई। आप कुछ भी बातें कहीं पर भी जाके बोल रहे हैं और आपको पता ही नहीं कि वो बातें सही है या गलत है, तो आप क्यों बोल रहे हो? कहने का मतलब ये, ठीक है, जब आपको किसी बातों के बारे में फॉल्स या उस बातों का सही कि वो रियलिटी है या फॉल्स है, ठीक है, वो आपको पता ही नहीं है, तो आप क्यों बोल रहे हो? आपको बोलना ही नहीं चाहिए, और आपने बोल दिया भी, मतलब कि कोई भी बात है, तो इसका मतलब क्या है? दैट इज आपकी लाइबिलिटी होगी डिफेमेशन, ठीक है। तो पहला केस हमने देखा डीपी चौधरी और मंजुलता, ये जो सारे केसेस लिखा रहे हैं, बस मैं स्पेसिफिक केसेस लिखा रहा हूँ आप लोगों को जो इम्पोर्टेंट है और पॉइंट से रिलेटेड है। पहला है मंजुलता वाला, दूसरा है ट्रॉली वाला, और इसमें एक केस लिख लीजिए आप लोग, कैसे डी वर्सेस डेली मिरर न्यूज़पेपर लिमिटेड। एक सेकेंड, ठीक है, केस का नाम लिखिए, कैसे डी वर्सेस डेली मिरर पेपर। ठीक है, होता क्या है, एक पर्सन होता है कैसे डी, वो अपनी वाइफ के साथ रहता नहीं है, ठीक है, लेकिन कभी कभी उससे मिलने जाता है, ठीक है। अब ये बात जो थी, इसको दूसरे तरीके से, जो फोटोग्राफर थे, मतलब एक न्यूज़पेपर की, उन्होंने उनकी जो है फोटो के साथ जो एक न्यूज छापी और ये कहा कि कैसिडी जो है उसका एंगेजमेंट होने वाला है कोई भी एक लड़की एक्स वाई जेड उसके साथ, ठीक है, और जो फिक्स हो चुका है। अब जो भाई देखिए, सिंपल से बात है, नॉर्मल पर्सन कोई है, जैसे अभी हर्ष, हर्ष तुम्हारी शादी हो गई है? अभी नहीं सर, अभी तो सिंगल ही हूँ। नहीं, तो मान लीजिए हर्ष को ले लेते हैं, हर्ष के बारे में अगर ये बात कही जाए कि हर्ष की जो है एक्स वाई जेड किसी से भी शादी हो रही जा रही है, तो दैट इज नॉट डिफेमेटरी, ठीक है। बट मैं शादीशुदा हूँ, अब मैं यहाँ पीएचडी मान लीजिए अलीगढ़ करने आया, और मेरी वाइफ जो है अभी घर पे रह रही है, वैसे तो है वो मेरे साथ ही, बट द पॉइंट इज कि वो मेरे घर पे रह रही है। अब वो कोई इंसान जो है ये कह दे कि सर काशिफ सर जो है वो दूसरी एक दूसरी ने एक शादी करने जा रहे हैं और उनकी एंगेजमेंट फिक्स हो गई एक्स वाई जेड डेट को एक्स वाई जेड के साथ, तो जो मेरे जानने वाले लोग हैं क्या करेंगे? बोलेंगे अरे तो शादीशुदा है, दोबारा शादी कैसे कर रहा है, ये इसका दिमाग खराब हो गया है, या जो है वो ये अपनी वाइफ के साथ गलत कर रहा है, ऐसे कर रहा है, वैसे कर रहा है, होगा ना, ऑब्वियस सी बात है। तो द पॉइंट इज कि जो स्टेटमेंट एक इंटरप्रिटेशन से कोई डिफामेटरी नहीं है, बट उसका दूसरा इंटरप्रिटेशन डिफामेटरी है ना यहाँ पे। तो यही पर ये चीज कही गई कि भाई अगर आपका बंदे का जो बंदे की जो वाइफ है वो उसके साथ नहीं रह रहा, उसे कभी कभी मिलने जा रहा है, इसके बारे में आपने पता किया नहीं किया अलग बात है, आपने उसके बारे में ये छाप दिया कि भाई वो शादी करने जा रहा है एक्स से, ठीक है, तो पॉइंट ये है। अच्छा, इसमें एक पॉइंट ये भी था कि भाई उसने जो उसकी वाइफ थी उसी से शादी की बात करी है ना, लेकिन उसकी जगह पे नाम उसका ना लिख के मिस एक्स लिख दिया, ठीक है। तो द पॉइंट इज कि न्यूज़पेपर वाले ने बोला कि भाई हम तो कह रहे हैं कि भाई उनकी बीवी से की शादी की बात हो रही है, तो भाई आप बीवी से ही शादी की बात कर रहे हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बट शादी कैसे करेगा वो इंसान उससे? कहने का मतलब ये था यहाँ पे कि भाई जो अपनी बीवी से शादी कैसे करेगा कोई इंसान किसी पर, जब वो उसकी बीवी ऑलरेडी है। तो नॉर्मली जो लोग हैं जिनको नहीं पता है कैसिडी के बारे में, वो तो चलिए उनके लिए कोई डिफामेटरी नहीं, लेकिन जिसको पता है कि कैसिडी की शादी हो चुकी है, वो तो कैसिडी के बारे में गलत सोचेंगे कि भाई इसकी ऑलरेडी शादीशुदा बंदा है, ये किसी के बारे में किसी दूसरे से शादी करने जा रहा है। तो इस वजह से यहाँ पे कोर्ट ने जो है वो लेबल किया जो न्यूज़पेपर वाले थे और कहा कि ये एक तरह से इन्वेंटो है और यहाँ पे कोई भी आप एक्सक्यूज नहीं ले सकते। यस बिलाल,
सर जो ये बड़े बड़े सेलिब्रिटी के बारे में अफवाह फैलाते हैं, जो पापाराजी रिपोर्टर्स, हाँ, और जैसा इसकी वेडिंग जैसा अभी प्रूफ नहीं हो रहा था, एक अंदाजा रहता है, तो सर उनके खिलाफ कोई एक्शन ले सकते हैं क्या? देखिए पॉइंट ये है कि एक्शन ले सकते हैं आप, बट द पॉइंट इज कि वो सूत्रों के हवाले से पता चला है, ठीक है, ये वाला पॉइंट रह जाता है। दूसरा, वो एक कमेंट टाइप का करके भेजते, जब भी आप लोग न्यूज में देखेगा ना, तो न्यूज वाले इसके साथ खेलते हैं, जो अभी हम लोग इसमें डिफेंस पढ़ेंगे जब हम लोग, तो न्यूज वाले कहते हैं कि क्या ऐश्वर्या राय बच्चन का डिवोर्स अभिषेक बच्चन से होने वाला है, आप समझ रहे हैं? वो ये नहीं कहते कि ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन के बीच में तनाव चल रहा है, झगड़ा हुआ, मारपीट हुई और ये हुआ वो, वो ये नहीं कहते। वो कहते हैं कि क्या ऐश्वर्या राय बच्चन का जो अभिषेक बच्चन से झगड़ा चल रहा है, क्या ऐश्वर्या राय अभिषेक बच्चन से अलग हो जाएगी, क्या अभिषेक बच्चन जो है ऐश्वर्या राय को छोड़ के किसी और से शादी कर लेगा, समझ रहे बात? हर किसी में क्या लग जाता है। सो हम लोगों को भी अभी कंफर्म नहीं है, कहते हैं जब उनसे कोई बात पूछी जाएगी तो कह रहे कि भैया हम लोगों को भी नहीं पता कि ये चीज होने वाली नहीं हो रही, हम तो भाई पर जानने के लिए बता रहे कि भाई ऐसा सिचुएशन हो रहा है शायद। हर चीज के बाद एक क्वेश्चन मार्क, तो जो भी चीजों पे वो श्योर नहीं होते उनके आगे लगा देते हैं वो क्वेश्चन मार्क, यानी इस क्वेश्चन मार्क से वो बच जाता है, पहली बात। दूसरी चीज, जो सेलिब्रिटीज होती है वो खुद चाहते हैं कि भाई हमारा, हम तो मूवी बना नहीं रहे, हम तो न्यूज में आ नहीं रहे, तो चलो ये न्यूज वाले किसी भी रीजन से हमको न्यूज में डाल दे, चाहे गलत या बुरा, वो तो कम से कम पब्लिसिटी मिल रही ना, उन लोगों को पब्लिसिटी चाहिए, इसलिए वो लोग केस नहीं करता, ये पॉइंट है, ठीक है, केस कर सकते हैं। यही चीज बात ना अगर बाहर कंट्री में होगी तो फटाक से वो लोग केस ठोक देंगे, ठीक है। तो ये हो गया, जो डिफेमेटरी वर्ड जो है वो प्लेंटिफ को जरूर होना चाहिए, डिफेमेटरी जो वर्ड है वो जो है पब्लिश होना चाहिए। अब जो डिफेमेटरी वर्ड जो है हमने कहा था कि पब्लिश होना चाहिए, उसमें केस है हल्टन एंड कंपनी वर्सेस जोनस, केस लिख लीजिए। ये थोड़ा सा बहुत अलग केस है, कंपनी वर्सेस वर्सेस जोन्स। इसमें क्या हुआ कि एक न्यूज़पेपर था, उसने एक जो है फ्रैक्शनल आर्टिकल पब्लिश किया, उसमें नाम दिया आर्टमस, उसको आर्टमस जोन्स, ठीक है। अब उनके बारे में उन्होंने कुछ भी उल्टा सीधा जो भी है छापा, पता चला कल की डेट में एक आर्टमस जोन्स नाम का आदमी था, और वो आके न्यूज़पेपर को बोलता है कि भाई आपने जो आर्टिकल जो भी छापा है वो आर्टिकल पढ़ के लोग सोच रहे हैं कि मैं ही वो पर्सन हूँ, ठीक है, और आप और न्यूज़पेपर के खिलाफ वो केस कर देता है, कोर्ट जो है वो न्यूज़पेपर को लायबल कर देता। बात समझ रहे कि भाई आपने किसी भी नाम से कोई आर्टिकल छापा, इसलिए कभी कभी हमेशा देखिएगा कहा जाता है कि आप कभी भी कोई चीज छापे तो, या आप जब कभी भी मूवी देखते होंगे, कोई भी मूवी देखते हैं उसमें लिख दिया जाता है कि जितने भी किरदार हैं वो काल्पनिक हैं, इनका वास्तविकता से कोई रिलेशन नहीं, यानी मतलब ये नहीं। तो द पॉइंट इज कि आप स्पेसिफाई कर दो, इन लोगों ने जो है स्पेसिफाई नहीं किया था, ठीक है, तो भाई ये जो पर्सन है वो काल्पनिक है, जब वहां पे आप गए तब जाके आप कोर्ट में जाके बोल कि भाई ये काल्पनिक है ना, फिक्शनल कैरेक्टर है। तो पॉइंट इज कि भाई अब वही मैंने कुछ लिख दिया किसी बारे में, कोई एक नाम ले लिया, मैंने नाम लिया कि फिरोज जो है ऐसे 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 चीज है, कल तो फिरोज मेरे पास आ जाता है और फिरोज कहता है कि भाई आपने मेरे बारे में ऐसा कुछ छापता है, आप कह रहे हैं कि भाई फिक्शनल है, तो आपको ये चीज पहले कहनी चाहिए थी, ठीक है, आप बाद में कह रहे तो वो डिफेंस में नहीं आएगा, ठीक है। तो इसलिए हर मूवी में देखिएगा आप, जब भी स्टार्ट होती है तो एक लिख दिया जाता है सारे किरदार काल्पनिक है वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे भी यही हुआ, और यहाँ पे जो उसने नहीं किया मतलब फिक्शनल का जो वो बात नहीं लिखी, तो इस वजह से कोर्ट ने यहाँ पे लाइबल। देन नेक्स्ट आता है कि डिफेमेशन ऑफ अ क्लास ऑफ पर्सन और डिफेमेशन ऑफ डिजीज, ठीक है। तो ये कह रहा है कि डिफॉर्मेशन जो है सिविल में कभी भी क्लास का नहीं हो सकता, जैसे कोई इंसान आता है और हम लोगों को बोल दे कि जितने लॉयर हैं वो सारे लॉयर जो हैं वो चोर होते, ठीक है,
सब क्लाइंट का पैसा खाते हैं, काम वाम करके नहीं देते हैं, और जो केस वेस लड़ना उनको तो आता नहीं है, इंफॉर्मेशन नॉलेज कुछ होती नहीं है, ऐसा कोई आदमी स्टेटमेंट बोल के चला जाए, क्या लॉयर जो है उसका डिफेमेशन फाइल कर सकते हैं? आंसर इज नो। ठीक है, एक कोई लॉयर खड़ा हो गया है, हर्ष खड़ा हो गया है, हर्ष ने बोला कि अरे तुमने लॉयर को ऐसा उल्टा सीधा क्यों बोलते, हर्ष ने गया और दिल्ली में हर्ष ने केस कर दिया उसके। ठीक है, नहीं हो सकता, क्योंकि आप लॉयर को पूरी तरीके से ये नहीं कर सकते, रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। सर क्वेरी थी दूसरा है मेरी, डिफेमेशन ऑफ डिजीज। डिफेमेशन ऑफ डिजीज में जो है ये क्रिमिनल में और सिविल में डिफरेंस है, याद रखिएगा। डिजीज पर्सन को अगर आपने डिफेम किया है तो आप उसके लिए सिविल सूट नहीं ला सकते कि भाई आप जो है डिजीज के घर वाले आए और बोले कि कंपनसेशन दो, तुमने मेरे बाप को, तुमने मेरी माँ को डिफेम किया। ठीक है, लेकिन अगर वही क्रिमिनल में चले जाए तो वहां पे क्रिमिनल वार में कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि अगर उसकी फैमिली को जो है नुकसान हुआ है उसकी बदनामी से, कोई आर्मी मैन था मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, अब वो बेचारा बॉर्डर पे मर गया है ना, आप कह रहे कि भाई ये तो गद्दार था, देशद्रोही था, है ना, बॉर्डर में जो है किसी से मिला हुआ था और मिलने गया था इसलिए आर्मी वालों ने ही इनको मार दिया। ठीक है, तो इस सिचुएशन पे जो स्टेटमेंट आपने उस आर्मी पर्सन के बारे में कहा है, दैट विल बी अफेक्ट हिज फैमिली एज वेल। अगर वो बातें ज्यादा पब्लिश हो गई तो हो सकता है कि कल जो उसके पड़ोसियां हैं, पड़ोसी हैं वो लोग हैं, वही लोग उनको रोड पे मार्केट में जाते वक्त उल्टा सीधा बोलने लगे, भाई तेरा बेटा तो गद्दार था, एकदम देशद्रोही है, ये है वो है, और देशद्रोही की माँ और देशद्रोही का बाप, ऐसे ऐसे बोलने लगे। जो स्टेटमेंट आपका किसी डिजीज के अगेंस्ट में है बट वो स्टेटमेंट उसकी फैमिली को अफेक्ट करता है, तो उस सिचुएशन पे आप उसके खिलाफ क्रिमिनल केस कर सकते हैं बट सिविल में केस नहीं कर सकते, मतलब टॉर्ट का केस नहीं कर सकते कि आप मुझे कंपनसेशन, यू कैन फाइल अ क्रिमिनल केस, ठीक है, बट यू कैन नॉट फाइल अ सिविल केसेस। ठीक है, तो डिफेमेशन ऑफ क्लास पर्सन, डिफेमेशन ऑफ डिजीज पर्सन नहीं होता है सिविल में, टॉर्ट में है ना, बट डिजीज पर्सन वाला जो है वो आपको क्रिमिनल में होता है। देन डिफेमेटरी स्टेटमेंट मस्ट बी पब्लिश, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पब्लिश होना चाहिए, मतलब थर्ड पर्सन की नॉलेज में होना चाहिए। इसी में एक केस है, फुट, HUTH वर्सेस फुट। ठीक, अली सर, कासिम सर, शायद अली सर आए, क्या कह रहे हैं? अली सर आए हैं। अरे टहलने आ गए सुबह ही सुबह। सलाम अच्छा, अली सर आए, गुड मॉर्निंग सर। वालेकुम काशिफ भाई। जी, तो इसमें क्या होता है कि सिंपल सी बात है, कहा गया है कि अगर कोई आप लेटर किसी को भेज रहे हो एंड दैट लेटर जो है वो ऐसा है कि वो किसी और के द्वारा पढ़ा जा सकता है, मान लीजिए मैंने एक लेटर लिखा और वो जिस जो इंसान है वो जो है वो एक अंधा आदमी, तो वो तो खुद लेटर पढ़ेगा नहीं, तो क्या करेगा, वो लेटर किसी और से पढ़वाएगा, अपने सर्वेंट से पढ़वा सकता है, वो जो डाकिया है उससे पढ़वा सकता है। तो अगर आपने किसी को लेटर लिखा है एंड दैट लेटर कैन बी लाइकली टू रीड बाय समवन एल्स, देन इट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड डिफेमेशन। बट अगर आपका है कि एक आपने उसके ऊपर लिख दिया कॉन्फिडेंशियल और वो लेटर वही इंसान जो है सिर्फ पढ़ सकता है, कोई और नहीं पढ़ सकता, देन इन दैट केस में वो लेटर जो है डिफेमेशन नहीं होगा, वो लेटर वो इंसान पढ़ के और खुद जाके कहीं अपने घर के बाहर चिपका दिया, उसमें जो स्टेटमेंट है वो जाके बाहर पब्लिक को बोल रहा है भाई देखो उसने लेटर है मुझे ऐसे लिखा, तो भी डिफामेशन नहीं होगा क्योंकि आपने उसको पब्लिक नहीं किया। अगर आपने कोई ऐसा स्टेटमेंट लिखा है जो कि पब्लिक हो सकता है, मतलब पब्लिक हो सकता है, कहने का मतलब है कि पब्लिक भी उसको पढ़ सकती है ना, किसी एक पर्सन को ही लिखा बट वो पढ़ा किसी और के द्वारा भी जा सकता है, देन इन सिचुएशन में वो चीजें आपकी मानी जाएगी कि डिफामेट। नाउ द क्वेश्चन अराइज कि क्या जो डिफामेशन है उसका कोई एक्सेप्शन है ना, जो डिफामेशन है क्या उसका कोई एक्सेप्शन भी है? तो जी हाँ, सिविल केसेस में बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं, है ना, क्रिमिनल में तो हम लोग के पूरे 10 हैं बट यहाँ पे सिविल में जो है आपके 3-4 हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला है जस्टिफिकेशन ऑफ ट्रुथ, जो स्टेटमेंट आपने बोला वो सच है, किसी के बारे में कहा कि इस इंसान ने इस पर्टिकुलर जगह से चोरी करी थी, ठीक है, और कल उसके खिलाफ जो FIR हो जाती है, कोर्ट उसको सच में बोलती है कि हाँ आपने चोरी करी है और उसको सजा दे देती है, मान लीजिए 6 महीना, 10 महीना, जो भी साल, 2 साल, 3 साल, जितना की,
तो आपको फिर डिफामेशन के लिए लायबल नहीं करता है। पहला हो गया जस्टिफिकेशन ऑफ ट्रुथ, ठीक है, जस्टिफिकेशन ऑफ ट्रुथ कि भाई जो भी आपने कहा वो सही था, सही स्टेटमेंट, सत्य वचन आपके, ठीक है। दूसरा है फेयर कमेंट, ठीक है, फेयर कमेंट। मूवी देखी आपने शाहरुख खान की, मूवी देख के बाहर निकले, एक रिपोर्टर है आपके एकदम मुंह के पास माइक लेके बोला कैसी लगी आपको मूवी, आपने कहा एकदम बकवास, शाहरुख खान ने एकदम बकवास एक्टिंग करी, एक्ट्रेस ने बकवास एक्टिंग करी, जो डायरेक्टर है उसने जो है बहुत बकवास जो है फिल्म को डायरेक्ट किया है, पूरी मूवी की जो स्टोरी लिखी है पूरी स्टोरी बकवास, पूरा टाइम वेस्ट हो गया, पैसा वेस्ट हो गया, तो क्या डिफेमेशन होगा? आंसर इज नो, फेयर कमेंट है कि भाई हमको अच्छा नहीं लगा मूवी। हो सकता है दूसरा ही दूसरा बंदा किसी से पूछे जो शाहरुख खान का बहुत बड़ा फैन हो, कहेगा अरे भाई क्या जबरदस्त मूवी बनाई है शाहरुख खान, एक्टिंग तो ऐसी कोई और एक्टर कर ही नहीं सकता। तब आप ये नहीं कह सकते कि एक ने अच्छा बोला, दूसरे ने जो खराब बोला, दूसरे वाले को जो हम केस करते, क्योंकि वो कमेंट है, उसको अच्छा नहीं लगा, उसका परसेप्शन है, ठीक है, दैट इज फेयर कमेंट। तीसरा आता है प्रिविलेज, तीसरा आता है प्रिविलेज, ये हो गया फर्स्ट, हो गया सेकंड, हो गया थर्ड। प्रिविलेज में होते हैं दो प्रिविलेज, एक होते हैं एब्सोल्यूट प्रिविलेज, एक होते हैं क्वालिफाइड प्रिविलेज। एब्सोल्यूट प्रिविलेज जैसे कि आपको पता होगा कि जो पार्लियामेंट, जुडिशियल प्रोसीडिंग, मिलिट्री प्रोसीडिंग, इनके लिए एब्सोल्यूट प्रिविलेज, कहने का मतलब है आप लोगों को मैंने कॉन्स्टिट्यूशन में ही पढ़ाया था, याद होगा आप लोगों को, तो कि पार्लियामेंट के जो एमपी एमएलए होते हैं, मतलब पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के, इनके जो मेंबर्स होते हैं, एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड एमएलए मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ये लोग जो होते हैं इनको प्रिविलेज मिलता है कि ये लोग कुछ भी बातें पार्लियामेंट के अंदर अगर बोलते हैं तो इनको कोई भी लायबिलिटी नहीं आएगी वो पार्लियामेंट से बाहर, मतलब कि कल ऐसा नहीं होगा कि आपको, आपने जो भी बात पार्लियामेंट के अंदर कही है उसके लिए आपको कोर्ट में आपके खिलाफ केस चले, तो जो भी चीज आप पार्लियामेंट के अंदर बोलोगे उसमें आपको प्रिविलेज है, आपको उसके उसमें जो है वो लायबल नहीं किया जाएगा कोर्ट के बाहर। भाई जैसे स्टेटमेंट है राहुल गांधी का, राहुल गांधी अगर वो मोदी वाली बात जो है वो पार्लियामेंट के अंदर बोल देता कि सारे मोदी चोर क्यों होते, तो वो चीजें जो है वो कोर्ट में नहीं जाती क्योंकि वो पार्लियामेंट प्रिविलेज के अंदर उसको मिलती, बट उसने क्या बोला, एक रैली में बोला था पब्लिक, ठीक। तो कोई भी प्रोसीडिंग, जुडिशियल प्रोसीडिंग, मिलिट्री प्रोसीडिंग जो होती है, इन सब में एक प्रिविलेज मिलता है ना। सर, जो आपने कहा कि भाई राहुल गांधी ने बाहर बोला, यदि संसद में बोलता है तो क्या संसद उसके खिलाफ एक्शन ले सकती है उस केस में? क्या एक्शन ले सकती है उस केस में, जैसे उसने बोला था कि ओपन रैली में सारे मोदी सो रहे, यदि वही संसद में बोलता तो एक्शन क्या तो चली गया पार्लियामेंट उसके खिलाफ, पार्लियामेंट में हो सकता था एक्शन? पार्लियामेंट में स्पीकर जो एक्शन लेना है वो कर सकता है, आपने एक कंडक्ट, आपके जो कंडक्ट के ऊपर जो है वो एक्शन लेने का जो राइट होता है वो स्पीकर का होता है, स्पीकर हो सकता है उसको सस्पेंड कर दे, कोई एक्शन ले ले, जो भी कर रहे, बट आपका ओके क्रिमिनल प्रोसीडिंग या सिविल प्रोसीडिंग नहीं चलेगी, सर, ठीक। फिर इसके बाद कह रहा है कि इन सिचुएशन नो एक्शन, वही बात है भाई कोई भी नहीं होगा, तो आर्टिकल है 105 जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेज की बात करता है ना, और आर्टिकल 194 जो कि आपका स्टेट लेजिस्लेचर के जो मेंबर है उनके प्रिविलेज की बात करता है, इसको आप लिख सकते हैं एब्सोल्यूट प्रिविलेज में वो आएगा। देन क्वालिफाइड में क्या है कि अगर आपने कोई स्टेटमेंट ऐसा दिया है जो बिना किसी मलाइज के है, विदाउट एनी मलाइज, एंड दूसरा है कि दैट स्टेटमेंट मस्ट बी ओकेजन फॉर मेकिंग स्टेटमेंट, के मान लीजिए आपकी ड्यूटी ही है वो स्टेटमेंट देना, सच बता सारी चीजें बोलना, ठीक है, तो उस सिचुएशन में दैट विल बिकम अंडर द क्वालिफाइड प्रिविलेज। जैसे केस इसमें आदम वर्सेस वार्ड, ADAM लिख लीजिए, ADAM वर्सेस वार्ड,
इस केस में कहा गया कि इस केस में कहा गया कि भाई कोई पर्टिकुलर ओकेजन पे है ना एक पर्सन है जो कम्युनिकेट कर रहा है एंड हैज ए इंटरेस्ट और ड्यूटी टू मेक सच स्टेटमेंट एंड द पर्सन टू हुम इट इज मेड हैज ए कॉरेस्पॉन्डिंग इंटरेस्ट टू रिसीव, तो यहाँ पे जो है वो प्रिविलेज में आएगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं जो हूँ एक ऑफिसर हूँ कोर्ट का ऑफिसर नहीं लेता हूँ, मतलब एक हाँ लैंड लैंड जो रजिस्ट्री होती है जहां पे वहां का एक ऑफिसर हूँ, ठीक है। अब कोई लैंड है जो गड़बड़ी है, मतलब उसमें या तो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है कुछ प्रॉपर्टी है, और कोई इंसान आया उसको बेचने के लिए मेरे पास, ठीक है, और वो जिसको बेचने वाला था उसको भी लेकर मेरे साथ पास आया। तो जो खरीदने वाला है कहने का मतलब है, उसने मुझसे पूछा कि सर ये जो लैंड है ये लैंड तो ठीक है ना, इसमें कोई गड़बड़ी वगैरह तो नहीं है। तो अब मैंने कोई स्टेटमेंट दिया वहां पे कि भाई नहीं नहीं ये जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है आदमी आपको बेच रहा है तो गलत कर रहा है आपके साथ, ये आपको धोखा दे रहा है वगैरह वगैरह, तो उस सिचुएशन पे वो आदमी मेरे खिलाफ डिफामेशन का केस नहीं कर सकता। कहने का मतलब ये है कि आई एम ऑन सच अ पोजीशन दैट आई हैव टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द अदर। अगर वहां पे मैं कुछ करता हूँ तो वहां पे मुझे प्रिविलेज मिलेगा और वो पर्सन मेरे खिलाफ केस नहीं कर सकता कहने का, ठीक है। या एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग और ले लें, कुंडली वाली बात है ना, एक होता ना हिंदू धर्म में शादी होती है कुंडली मिलाई जाती है। अब पंडित जी के पास गए हम कुंडली लेकर, अब कुंडली लेने के बाद पंडित जी ने पढ़ा और कुछ लड़के के बारे में या लड़की के बारे में कह दिया कि ये ऐसा है वैसा है, शादी करोगे तो लड़के की मौत हो जाएगी या लड़की की मौत हो जाएगी या ये नहीं, तो आप पंडित जी के ऊपर केस कर देंगे कि भाई पंडित जी नहीं आपने कैसे कहा। भाई वह वैसा कुछ बिलीफ सारी चीजें हैं, अब वो चीज उन्होंने अपने उस ओकेजन में कहा है, ऐसे थोड़ी कि घूम घूम के सबको कहते जा रहे कह रही ये मांगलिक है ये वो है, सो शादी मत करने सर। उस पर्टिकुलर ओकेजन पे उन्होंने कहा है, कोई स्टेटमेंट दिया है, तो उस सिचुएशन में उनकी लायबिलिटी नहीं आएगी। बात समझ में आ रही है? तो वो हो गया क्वालिफाइड प्रिविलेज, एन एब्सोल्यूट प्रिविलेज की जो स्पेसिफिकली हमने लॉ में दे रखा है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को, जुडिशरी के जो मेंबर्स हैं और जो हमारे मिलिट्री के मेंबर्स हैं, क्योंकि आपका मिलिट्री में भी देखा होगा आपने कि वो जो भी कुछ करेंगे नहीं करेंगे सारी चीज उनका वहां डील होगा, उनके लिए कोर्ट में नहीं आना, मार्शल लॉ है पूरा उनका और वो मार्शल लॉ के अंडर में उनका सारा कुछ चलेगा, ठीक है। यहां तक क्लियर है? बताइए कोई सवाल कोई क्वेश्चन किसी का? नो सर। तो बिलाल